अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी, चिकन शामी कबाब। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक दें। तो चलिए देखते हैं इसका बनाने का तरीका। 400 ग्राम चने की दाल, आप चाहे तो हाफ के जी भी ले सकते हैं। इसे कम से कम 4 से 6 घंटे के लिए भिगो के रख दें। फिर इसे अच्छे से वॉश करके प्रेशर कुकर में डाल दें। साथ ही में हम डालेंगे 400 ग्राम चिकन, 2 तेज़पत्ता, 10 से 12 सूखी लाल मिर्च, इसे हाफ कट करके डाल दें, 2 टीस्पून ज़ीरा, 8 से 10 लौंग, 2 बड़ी इलायची, 1 टीस्पून साबित काली मिर्च, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 कप पानी। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। गैस के फ्लेम को ऑन करें, मीडियम हीट रख दें। इसमें एक बॉईल आने दें। जैसे ही बॉईल आ जाएगा इसका लीड लगा लें और दाल और चिकन अच्छे से गलने तक इसे गला लें। ये 15 से 20 मिनट में गल जाएंगे। 20 मिनट के बाद मैंने गैस के फ्लेम को ऑफ़ किया था। अब हम दाल चेक करते हैं, दाल हमारी गली है या नहीं। ये अच्छे से गल गई है। जो भी आपके खड़े मसाले हैं उसे निकालें और इसे फेंक दें। साथ ही में जो भी चिकन है, चिकन को निकाल कर अलग रख दें। दाल में अगर पानी है तो इसे हाई फ्लेम पर अच्छे से सुखा लें। यहाँ पर दाल में पानी बिल्कुल नहीं है, इसे मैं अभी ठंडा कर लूँगी। जो चिकन है इसे आप अच्छे से श्रेड कर लें। दाल ठंडी हो गई है, अब इसमें 1 टीस्पून कसूरी मेथी डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। आप चाहे तो शुरुआत में ही कसूरी मेथी को डाल सकते हैं। दाल को चॉपर में या फिर मिक्सर जार में डालकर पीस लें इस तरह से। अब इसमें श्रेडेड किया हुआ चिकन डाल दें। साथ ही में हम डालेंगे 1/4 कप बारीक कटा हुआ धनिया, 5 से 6 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 2 से 3 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ पुदीना, 1 बड़ी साइज़ की प्याज को कद्दूकस कर लें। इसका पानी निकाल कर इसे भी डाल दें। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। नमक डाल दें हसब ज़रूरत। दोबारा से इसे अच्छे से मिक्स कर लें, कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए। ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसके कबाब बनाएंगे। कबाब का शेप आप छोटा या बड़ा दे सकते हैं। अगर आपके पास कबाब मेकर है तो आप कबाब उससे भी बना सकते हैं। मैं थोड़े कबाब हाथ से बनाऊंगी और बाकी के बचे हुए कबाब मेकर से बनाऊंगी। ये हमारा कबाब अच्छे से बन गया है, आप देख सकते हैं। सारे कबाब इसी तरह से आप बनाकर रेडी रख लें। कबाब को पहले आप 2 घंटे के लिए फ्रीज़ करें, फिर इसे पॉलीथीन बैग में डालकर 1 महीने के लिए आप फ्रीज़ कर सकते हैं और इसे यूज़ कर सकते हैं। फ्रोज़न कबाब बनाने से पहले इसे कम से कम 5 से 10 मिनट पहले निकाल कर बाहर रखें। बाउल में 1 एग लें, इसे अच्छे से फेंट लें और इसे अलग रखें। पैन को लो हीट पर गरम करें, 1/4 कप ऑयल डाल दें। ऑयल जैसे ही गरम हो जाए कबाब को एग में डिप कर लें, फिर इसे ऑयल में छोड़ दें। इसे शैलो फ्राई कर लें 5 मिनट के लिए दोनों तरफ। ये फ्रोज़न है इसलिए हम इसे लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अगर आप फ्रेश कर रहे हैं तो सिर्फ 2 से 3 मिनट में कबाब हमारे बनके तैयार हो जाएंगे। ये बहुत टेस्टी बने हैं और बहुत मज़े के हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। 5 मिनट के बाद कबाब को निकाल कर गर्मा गर्म सर्व करें। शामी कबाब बनकर तैयार है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अगले रेसिपी में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।